भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने 13 जुलाई की सुबह अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में संस्कृत लिखकर दो तस्वीरें ट्वीट की। ये देहरादून स्टेशन के साइनबोर्ड्स की तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर में दिख रहे बोर्ड पर शहर का नाम हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा में लिखा हुआ था। दूसरी तस्वीर में दिख रहे बोर्ड पर ठीक उर्दू की जगह पर संस्कृत में देहरादूनम लिखा हुआ था। पात्रा के ट्वीट पर कमेंट करने वाले लोग इस बात पर विश्वास करते दिख रहे थे कि बोर्ड पर उर्दू की जगह संस्कृत में देहरादून हाल ही में लिखा गया था। हमने इस तस्वीर के बारे में जानना चाहा तो ये हमें हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में मिली। तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है कि 8 फरवरी 2020 को जब 3 महीने बाद देहरादून का रेलवे स्टेशन आम जनता के लिए दोबारा खोला गया तो वहां ये बोर्ड देखने को मिला जिसमें शहर का नाम संस्कृत में लिखा हुआ था। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि उत्तराखंड में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने राज्य में स्टेशनों के नाम इस भाषा में लिखने का फैसला लिया है। जिन साइन बोर्ड्स पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में नाम लिखे हैं वो अब हिंदी, उर्दू और संस्कृत में लिखे जाएंगे। असल में फरवरी 2010 में मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। 2020 की फरवरी में जब साइन बोर्ड्स पर उर्दू की जगह संस्कृत को जगह दी गई तो एक नए विवाद ने जन्म लिया। मालूम पड़ा कि ये नाम स्टेशन का रेनोवेशन कर रही एजेंसी ने लिखा था। उन्होंने ही संस्कृत में नाम वाले ये बोर्ड्स लगाए थे और जैसे ही मामला रेलवे के संज्ञान में आया ये बोर्ड हटवा दिया गया। 7 फरवरी को मुरादाबाद के DRM ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। उनके लिखे लेटर के अनुसार भारतीय रेलवे ने नहीं उर्दू भाषा को किसी भी स्टेशन से हटाया था और न ही ऐसा करने की उसकी कोई मंशा थी। उन्होंने ये भी बताया था कि मौजूदा भाषाओं के साथ संस्कृत भाषा को जोड़ा जा सकता है लेकिन जहां उर्दू मौजूद है वहां से उसे हटाया नहीं जाएगा। फरवरी 2020 में ही उत्तराखंड के रेलवे स्टेशन पर लगे बोर्ड्स में जहां जहां उर्दू की जगह संस्कृत में नाम लिखा गया वहां वापस उर्दू में नाम लिख दिया गया। आज तक ने 14 फरवरी को एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें एक शख्स देहरादूनम के ऊपर उर्दू में लिखे शहर के नाम की पट्टी चिपका रहा था। हमने देहरादून में ही रहने वाले हमारे एक साथी की मदद से स्टेशन पर लगे बोर्ड की 13 जुलाई की एक तस्वीर मंगवाई। इन तस्वीरों में भी बोर्ड पर ऊपर से चिपकी पट्टी साफ देखी जा सकती है। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही संस्कृत में लिखे नाम के ऊपर उर्दू की पट्टी दिखी। इस तरह से भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने देहरादून स्टेशन के साइन बोर्ड की एक पुरानी तस्वीर शेयर की जिसमें उर्दू में लिखे शहर के नाम की जगह संस्कृत में नाम लिखा हुआ था। कुछ दिनों बाद ही इस बोर्ड को वापस पुराने रूप में ला दिया गया था लेकिन पात्रा ने इस बाबत कोई जानकारी शेयर नहीं की। 14 जुलाई को सुबह संबित पात्रा ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लगभग तंज कसते हुए लिखा कि हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी संस्कृत जो लिख दी। दर्शकों को बता दिया जाए कि इसमें इस्तेमाल हुए शब्द हंगामा और बरपा फारसी मूल के हैं और असल शेर उर्दू के बेहद आला दर्जे के शायर अकबर इलाहाबादी का लिखा हुआ है।